मंत्री अमित शाह మాట్లాడుతున్నారు ఆ లైవ్ చూద్దాం नरेंद्र मोदी जी है 23 साल से दीपावली के दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। एक और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है। ये 10 साल में मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए। 70 साल के काम को एक और रखे, इतना काम इस 10 साल के अंदर हुआ है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, आंतरिक सलामती मजबूत हुई है, टेररिज्म और नक्सलिज्म पर पूरा सिकंजा कसा गया है। देश का अर्थतंत्र के लिए, गरीबों के विकास के लिए 70 साल के काम को एक और रखे, इतना काम इस 10 साल के अंदर हुआ है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, आंतरिक सलामती मजबूत हुई है, टेररिज्म और नक्सलिज्म पर पूरा सिकंजा कसा गया है। देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। हमारी बैंकों का जो खस्ता हाल हमें मनमोहन सिंह देकर गए थे, उसको हमने आगे बढ़ाया है। तो एक और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का है। तो दूसरी जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के समक्ष के साथ पैदा हुए नेता है जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, जहां तक सवाल है देश की जनता का, देश की जनता तय कर बैठी है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, मैं तेलंगाना की भी जरूर बात करना चाहता हूं। तेलंगाना को जब बनाया गया तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। अब तेलंगाना पर लाखों करोड़ों रुपए का ऋण है और 80,000 करोड़ रुपया हर साल ऋण चुकाना में तेलंगाना को चुकाना पड़ता है। बीआरएस और कांग्रेस की सरकारों ने तेलंगाना के विकास को डिरेल किया है। जब मोदी जी ने ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं, 14-15 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड़ थी, 15,000 करोड़ रुपया मिलती थी। संयुक्त आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती थी, आज ये लगभग 63,000 करोड़ रुपया मिलती है। मतलब 4 गुना ग्रांटिंग एड में बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा तेलंगाना में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने सड़क निर्माण के लिए, 32,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद एक दशक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा 900 करोड़ के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है, 6300 करोड़ से राम गुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड RFCL को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरी ओर दोनों पार्टियां BRS और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नमेंट गवर्नेंस और एपिसमेंट, ये चारों नासूरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया हुआ है। और मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ
मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सांसद यहां से चुना कर भेजेगी, चाहे बीआरएस की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ओवैसी के हाथ में रहा है। ये दोनों ने एपीसमेंट के अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलिस को आउटसोर्स किया हुआ है। ये लोग सीए का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, रोहिंग्या को देश में आने जाने देने का घुसपैठ का समर्थन करते हैं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन मनाने की परंपरा बंद करते हैं, रामनवमी पर भद्राचलम को पवित्र वस्त्र भेंट कर भी इन्होंने बंद कर दी है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर एसटी एससी ओबीसी के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा सीधा एसटी एससी ओबीसी के